हेलो गाइज, माय नेम इज अजहर पठान और मैं आज आपको एक और इंस्पायरिंग स्टोरी से रूबरू कराने जा रहा हूँ। ये स्टोरी आपको हो सकता है बोलने की कला जरूर दे दे, क्योंकि मैं आज ऐसी चीजें कवर करने वाला हूँ जिसे सुनकर आप भी थोड़ा बहुत अपने दिमाग पर प्रेशर डालोगे और सोचोगे कि हाँ यार, बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। तो दोस्तों, बात दरअसल यूँ है कि कुछ समय पहले, करीब 1 से 2 साल पहले, कुछ अधिकारियों ने एक लाइब्रेरी होती है उसका दौरा किया था। अब उन्होंने उसका दौरा किया तो वहां पर सारे ही बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उसमें नीट के बच्चे भी थे, उसमें एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी कर रहे थे, उसमें गवर्नमेंट जॉब के लिए भी, यहाँ तक कि उसमें यूपीएससी, पीसीएस और अन्य जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए प्रिपरेशन बच्चे कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, उसी बीच हुआ क्या कि उन दो अधिकारियों ने बच्चों से सवाल किया कि बेटे ये बताइए कि हमारे जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे वो उनका बैकग्राउंड कैसा था। मजाल नहीं थी, किसी का कोई बोल नहीं पाया, किसी से बताया नहीं गया। तो उन दो अधिकारियों को बड़ा अचंभित सा लगा, बड़ा उन्हें ऑटोमेटिकली लगा कि यार ये क्या एजुकेशन है, मतलब ये अपनी बात नहीं रख सकते। और उनकी डिग्री मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता, मैंने वैसे ही बता दिया आपको। डिग्री उनके पास लाजवाब थी, एक से एक बेहतरीन डिग्री थी, लेकिन वो अपनी बात नहीं रख सके। उन अधिकारियों को बड़ा पछतावा हुआ, बड़ा हैरतअंगेज हुआ कि यार, मतलब इतनी डिग्री, इतना कुछ और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तमाम फीस, नेट वगैरह सब कुछ मिलने के बावजूद इनसे इतने हल्का क्वेश्चन नहीं दिया। फिर एक अधिकारी और थे, उन्होंने पूछा बेटा ये बताइए कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि जो हमारे मूल अधिकार हैं वो कितने हैं। तब भी किसी से कुछ नहीं बताया गया। ये उन्होंने 2-3 इतने हल्के हल्के सवाल पूछे, उन बच्चों में से कोई बच्चा एक ऐसा नहीं निकला जिस बच्चे ने भी ये कहा हो कि हाँ सर, मैं जानता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। किसी ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं बताया, किसी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब के बारे में नहीं बताया, और किसी ने अपने भारत के बारे में कुछ भी जानकारी हासिल नहीं की थी। उन दोनों अधिकारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने आपस में डिस्कस किया, उन्होंने आपस में बात की और उन्होंने कहा यार क्या हमारे भारत के बच्चे पढ़ रहे हैं, आखिर चाह क्या रहे हैं ये। और उन्हें बहुत ज्यादा पश्चाताप हुआ और उन्होंने फिर वो वहां से रुखसत हो गए, चले गए, और आपस में उन्होंने यही डिस्कस किया कि हमें अपने भारत की एजुकेशन सिस्टम को जरूर बदलना होगा। अगर हमने ये बदल दिया तो आने वाली जो नस्लें हैं उन्हें खासकर भारत के बारे में ज्यादा जानने की जो क्षमता है वो पहले से ही पता चल जाएगी। क्योंकि भारत के बारे में अगर आप नहीं जान सकते तो फिर ये बहुत बहुत छोटी सी बात रह जाती है। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप जिस देश में रह रहे हो आपको उसके बारे में ही नहीं पता, बहुत ज्यादा शर्म की बात हो जाती है। बस आज का मकसद यही था कि जो भी बच्चे अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, आप अपनी बात रखना सीख जाइए। यकीनन आपकी जिंदगी, आपका मुस्तकबिल, आपका जो पूरी फैमिली सिचुएशन है, सभी कुछ बदल जाएगी। सिर्फ आप अपना बोलने का जो लहजा है उसे आप संभाल लीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी बात नहीं रख सकते, आप दुनिया की कोई भी डिग्री ले आओ, आपको वो इज्जत समाज में नहीं मिलेगी जो आप एक्सपेक्ट करते हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पेज को फॉलो जरूर करना।